हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास एंड परसेंटेज एबंडेंस, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 7 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 6 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 6 देख लें। तो एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से निकालेंगे? तो एक्चुअली में क्या होता है, आप किसी भी चीज का एवरेज निकालना जानते हैं, बस वही चीज है। एटॉमिक मास का एवरेज निकालना है मतलब टोटल मास ऑफ एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम। जैसे आपके पास मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, कि फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स है ए, सेकंड का बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से 10 का दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, सभी का मार्क्स को ऐड कर दीजिएगा, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वही चीज यहाँ पे, टोटल मास ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इससे आपका जो वैल्यू आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। सिंपल एवरेज निकालना है। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि कार्बन जो है C12 और C14 दो आइसोटोप है कार्बन का, और दोनों का परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है, मतलब C12 90% है और C14 10%। तो एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का क्या होगा ये आपको बताना है। परसेंटेज एबंडेंस का क्या मतलब हुआ, मतलब आपके पास टोटल जो कार्बन एटम होगा उसमें से 90% जो कार्बन एटम है उसका मास है 12 AMU, और 10% जो कार्बन एटम है उसका मास है 14 AMU। तो परसेंटेज में क्या कीजिए, आप सिंपल मान लीजिए कि आपके पास 100 एटम है, तो आसानी होगा। 100 एटम अगर आप मानिएगा तो क्या होगा कि 90% मतलब C12 कार्बन वाला आपके पास 90 एटम है, मतलब 90 एटम ऐसा है जिसका कि मास है 12 AMU कार्बन का, और 10% होगा 100 का 10, तो 10 एटम वैसा है जिसका कि मास होगा 14 AMU। तो आपके पास जिस तरह से ये 10 स्टूडेंट में सभी का मार्क्स ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 90 एटम का मार्क्स 12 12 है। तो 12 को 90 टाइम्स ऐड कीजिए, 12 + 12 + 12 इस तरह से, या फिर 12 × 90 कर दीजिए, एक ही बात होगा। तो ये आ जाएगा आपका मास ऑफ C12 एटम। सिमिलरली 10 एटम जो है उसका मास है 14 AMU, तो 14 + 14 10 टाइम्स कीजिए, या 14 × 10 कीजिए। तो यहाँ से टोटल मास आ जाएगा, सम आप कर रहे हैं, 12 12 + 20, मतलब टोटल 100 एटम का मास आपका आ जाएगा। तो ये आएगा 12 × 90, 1080, 12 × 9 108 होता है, 90 टाइम्स करेंगे तो 1080 होगा, प्लस 14 × 10 तो ये 140 होगा। तो टोटल मास हो गया आपका 1220 AMU। तो टोटल मास होगा 1220 AMU, और टोटल एटम है 100 एटम माने थे, आप कुछ भी मान सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज एटॉमिक मास होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, तो ये होगा 122 / 10, 12.2 AMU। या फिर आप इस तरह से सोचिए, अगर आप 10 एटम मानिएगा तो 10 का 90% होगा 9, तो आपके पास 10 एटम यदि है तो उसमें 9 एटम वैसा है जिसका कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU, और 10 का 1 सॉरी 10 का 10% होगा 1, तो 1 एटम आपके पास कार्बन का वो है जिसका कि मास है 14 AMU। तो टोटल मास एटम का कितना होगा, 12 एमयू वाला 9 एटम है, तो 12 × 9 + 14 × 1, तो इस तरह से 122 आएगा। तो 122 और टोटल नंबर ऑफ एटम से 10, तो इस तरह से 12.2 AMU आएगा। तो सुविधा के लिए 100 मानते हैं, आप कुछ भी मान के कर सकते हैं, उस अनुसार आपको 90% डिफरेंट रहेगा, जैसा आप नंबर ऑफ एटम्स मानिएगा। इस तरह से आप परसेंटेज एबंडेंस यदि दिया हुआ है तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 35.5 AMU, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 35.5 AMU। तो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ हेवियर आइसोटोप आपको बताना है, दो आइसोटोप है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो हेवियर आइसोटोप का परसेंटेज कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। इस केस में जो है आपको 100 का इंपोर्टेंस पता चलेगा कि 100 क्यों मानते हैं, 100 मानिएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल एटम जो है क्लोरीन का 100 एटम है, तो उसमें अगर एक्स एटम है क्लोरीन 35 क्लोरीन का, तो 37 क्लोरीन कितना होगा, 100 - x, टोटल क्लोरीन
क्लोरीन का एटम है 100, C30 सॉरी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 मिला के, तो अगर आप क्लोरीन 35 का एक्स एटम मानते हैं तो क्लोरीन 37 100 माइनस एक्स होगा, और यही परसेंटेज भी हो जाएगा, क्योंकि वो अभी आपको पता चल जाएगा, एक्स का वैल्यू तो आने दीजिए। तो टोटल मास कितना होगा, 35 AMU वाला एक्स एटम है, तो 35 + 35 x टाइम कीजिएगा, या फिर 35 × x कर दीजिए। तो यहां से क्लोरीन 35 + क्लोरीन 37 100 - x एटम है, तो 37 × 100 - x ये टोटल मास हो गया डिवाइडेड बाय 100। क्यों? क्योंकि x + 100 - x टोटल नंबर ऑफ एटम से, टोटल नंबर ऑफ एटम आप 100 एज्यूम ही किए थे, तो 100 एटम ही है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, जो कि दिया हुआ है 35.5। अब 30 पॉइंट सॉरी ये देखिए, 35x 35 × x + 37 × 100 - x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू दिस, जब सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x आया है 75। मतलब अगर आपके पास 100 एटम क्लोरीन का है तो उसमें 35 AMU वाला क्लोरीन एटम है, और 35 37 AMU वाला क्लोरीन एटम है, मतलब 25 जो क्लोरीन एटम होगा उसका मास होगा 37 AMU, और 75 जो क्लोरीन एटम होगा उसका मास होगा 35 AMU। तो यही परसेंटेज भी हो जाएगा, अगर 100 एटम में 75 एटम है ये, तो परसेंटेज क्या होगा, 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 होता है परसेंटेज के लिए, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, इसलिए जो एक्स नंबर ऑफ एटम है वही परसेंटेज भी होगा, मतलब 75% जो है क्लोरीन 35 होगा। हैबियर आइसोटोप पूछ रहा है, मतलब 100 - x पूछ रहा है, तो हैबियर आइसोटोप 25% होगा 37 वाला, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ हैबियर आइसोटोप इक्वल टू 25। इसके बाद एवरेज मोलिकुलर मास, तो एवरेज मोलिकुलर मास फिर से वही टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, लेकिन अगर यहां मोल से तो मास आपका ग्राम में होना चाहिए, या फिर आप टोटल मास एएमयू में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, एवरेज मोलिकुलर मास बोलिए या एवरेज मोलर मास बोलिए, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होता है। इसको अभी हम अच्छे समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास C12 का 1 मोल है, कार्बन अगर जनरली बोलेंगे तो वो 12 ही रहता है, 1 मोल कार्बन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, और 1 मोल ऑक्सीजन है। अब आपको एवरेज मोलर मास पूछा जाए, मतलब आपके पास टोटल 3 मोल है, तो 3 मोल के कारण जितना वेट होगा तो एवरेज आप निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय 3 करके। जैसे कार्बन का 1 मोल है, मतलब आपके पास 12 ग्राम कार्बन है, नाइट्रोजन का 1 मोल मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एटम का 1 मोल मतलब आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है। तो देखिए टोटल मास कितना होगा, 12 + 14 + 16, 12 + 14 + 16, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इससे आप एवरेज निकाल, ऐसे ही तो एवरेज निकालते हैं, मतलब 1 मोल अगर सब्सटेंस, जैसे 3 मोल का मास इतना हो गया, तो 1 मोल का मास कितना होगा ग्राम में, तो ये 14 ग्राम होगा, वही होगा एवरेज मोलर मास। मोलर मास होता है 1 मोल का मास इन ग्राम किसी भी एलिमेंट का, वो मोलर मास कहलाएगा, और एवरेज मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिएगा, तो मोल सॉरी एवरेज मोलर मास आ जाएगा। तो वही चीज है, अगर एक के जगह मान लीजिए कि 3 कार्बन एटम रहता, सॉरी 3 मोल कार्बन का रहता, मतलब 1 मोल के कारण 12 ग्राम होता है, तो 3 मोल के कारण 36 ग्राम हो जाता है ना, 12 + 12 + 3 सॉरी 12 + 12 + 12 3 टाइम कीजिए, या 12 × 3 कर दीजिए। सिमिलरली इसका अगर कुछ और रहता 1 की जगह, तो 14 × उतना करना पड़ता, फिर 16 × इसका अगर 1 मोल से ज्यादा रहता कुछ रहता वैल्यू, तो उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स में भी 3 + 10 + 10। तो इसीलिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ए एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल एन ए है, और इसका मोलिकुलर मास एम ए दिया हुआ है, मोलर मास या मोलिकुलर मास दोनों का वैल्यू तो सेम रहता है, बस एक एमयू में रहता है दूसरा ग्राम में रहता है। सिमिलरली बी का नंबर ऑफ मोल बी है और मोलर मास एम बी है, और सी का नंबर ऑफ मोल सी है और मोलर मास एम सी है, तो सी के कारण टोटल मास कितना हो जाएगा, एम सी इंटू एन सी, जैसे यहाँ पे 12 × 3 किए, 1 मोल का वेट होता है 12, तो एन मोल का वेट होगा एन सी इंटू एम सी। सिमिलरली इसका एन बी इंटू एम बी, ए के कारण एन ए इंटू एम ए, तो अगर एन ए मोल है, एन बी मोल है, एन सी मोल है, और सभी का मोलिकुलर मास दिया हुआ है, तो टोटल मास कैसे निकालिएगा, ए के कारण मास होगा एन ए इंटू एम ए,
बी के कारण होगा एन बी इंटू एम बी, और सी के कारण होगा एन सी इंटू एम सी। तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल मास आ जाएगा, और इसको टोटल मोल से डिवाइड कीजिएगा तो एवरेज मोलर मास आएगा या फिर एवरेज मोलिकुलर मास आएगा। तो ये फॉर्मूला लगाइएगा डायरेक्ट आ जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि एवरेज मोलिकुलर मास जो है वो एएमयू में होगा और एवरेज मोलर मास ग्राम में होगा। जिस तरह से मोलर मास ग्राम में होता है, मोलिकुलर मास एएमयू में होता है, वही चीज यहाँ पे होगा। क्योंकि मोलिकुलर मास मतलब एक मोलिक्यूल का मास, और मोलर मास एक मोल का मास। अब ये वाला फॉर्मूला से ही मोलिकुलर मास भी क्यों आएगा ये आपको भी हम बताते हैं। क्योंकि देखिए ये एक्चुअली में टोटल मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मोल से, क्योंकि मोलिकुलर मास सॉरी मोलर मास तो ग्राम में ही होगा ना, तो ये तो टोटल मास ग्राम में आएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा अगर मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से, तो जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा। सिमिलरली इसका भी ग्राम में, इसका भी ग्राम में। तो ये तो मोलर मास का फॉर्मूला है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सिमिलरली एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल मास इन एएमयू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। तो जैसे इसी का आप एग्जांपल लीजिए, आपके पास अगर एनए मोल है तो आपके पास ए का कितना मोलिक्यूल है, नंबर ऑफ मोल एनए का एनए है, और इसको एवोगैड्रो नंबर एनए से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना मोलिक्यूल से ए का है ना। सिमिलरली बी का एन बी इंटू एवोगैड्रो नंबर एन ए, ये एवोगैड्रो नंबर है 6.023। एक मोल में इतना पार्टिकल्स होता है, तो एनए मोल्स में एनए इंटू इतना, सिमिलरली एन बी मोल्स में एन बी इंटू एनए, तो इतना मोलिक्यूल से बी का, सिमिलरली एन सी इंटू एनए इतना मोलिक्यूल से सी का। तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपके पास होगा एनए इंटू एनए प्लस एन बी इंटू एनए प्लस एन सी इंटू एनए। तो एनए तो कॉमन हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में एनए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होगा। उसके बाद टोटल मास कितना होगा, तो अगर एम ए ग्राम मोलर मास है तो मोलिकुलर मास एम ए एएमयू हो जाता है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए, हम बताए थे कि मोलिकुलर मास और मोलर मास में डिफरेंस नहीं होता है, बस मोलिकुलर मास एएमयू में होता है और मोलर मास ग्राम में होता है। उसका रीजन ये भी था कि 1 AMU = 1/NA ग्राम होता है इस कारण से। अब ये फिर से डिटेल में हम नहीं बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो आपके पास एक मोलिक्यूल का मास एम ए एएमयू दिया हुआ है, और टोटल मोलिक्यूल से आपको पता है एनए इंटू एनए, तो एनए इंटू एनए इतना मोलिक्यूल से ए का, इसको आप मोलिकुलर मास ऑफ ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना वेट हो जाएगा, लेकिन ये एएमयू में आएगा क्योंकि एम ए एएमयू होता है मास। तो अगर एक मोलिक्यूल का मास मान लीजिए 5 AMU है, तो 5 मोलिक्यूल का मास कितना होगा, 5 × 5 AMU में ही रहेगा ना, ग्राम में तो नहीं हो जाएगा, तो नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AMU ही रहेगा। सिमिलरली प्लस NB into NA इतना मॉलिक्यूल है, और MB ये तो AMU में है मॉलिक्यूलर मास, तो into MB, फिर प्लस NC into NA इतना मॉलिक्यूल है C का, into मॉलिक्यूलर मास ऑफ C। तो आप देखिए तो इसी में जो है यहाँ पे भी NA मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी NA मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी NA मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों से NA कॉमन हो जाएगा, और नीचे भी टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो है एनए टाइम्स होगा इतना, एनए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो एनए से एनए कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला यही वाला आएगा। तो न्यूमरिकल वैल्यू दोनों का सेम होता है, एवरेज मोलिकुलर मास हो या एवरेज मोलर मास हो, बस मोलर मास जो है सॉरी एएमयू नहीं ग्राम में आएगा मोलर मास, मोलिकुलर मास एएमयू आएगा, क्योंकि मोलिकुलर मास मतलब एक मोलिक्यूल का मास जो कि हमेशा एएमयू में ही आएगा, और मोलर मास मतलब एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, तो इसलिए उसका एवरेज भी ग्राम में ही आता है। तो फॉर्मूला यही होगा, बस मोलर जो है ग्राम में और मोलिकुलर का यूनिट एएमयू रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ पैरामीटर का जरूरत पड़ता है आइडियल गैस इक्वेशन में। तो कौन कौन सा पैरामीटर है आइडियल गैस को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी आइडियल गैस फॉलोइंग पैरामीटर्स आर नीडेड। आइडियल गैस के लिए ये सब पैरामीटर का यूज होता है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो किसी भी कंटेनर में, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें कोई गैस भरा हुआ है, गैस फिलअप है, तो इस गैस पे क्या प्रेशर लग रहा है, इस गैस का टेम्परेचर क्या है, मतलब कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा वही गैस का टेम्परेचर होगा, और ये जो गैस फिलअप है ये कितना नंबर ऑफ मोल्स है गैस का, इस कंटेनर के अंदर टोटल कितना नंबर ऑफ मोल्स है, और इस कंटेनर का क्या वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम रहेगा वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि गैस जो है ना वो पूरे
कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। लिक्विड सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर इस कंटेनर में आप मान लीजिए इसका कैपेसिटी है 2 लीटर और इसमें 1 लीटर आप वाटर फिलअप कीजिएगा, तो वाटर लिक्विड होता है तो ये 1 लीटर हाफ ही फिलअप होगा, जबकि गैस में ऐसा नहीं होगा। गैस में आप गैस जैसे ही डालेगा ऊपर से क्लोज कीजिएगा तो ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस 2 लीटर हो जाएगा उस केस में। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता है, 1 लीटर डालिएगा तो ये कंटेनर हाफ ही फिलअप होगा, जबकि गैस इसमें फिलअप कीजिएगा तो पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही हो जाता है। अब एक एक करके हर एक टर्म को देखते हैं। तो पहला है प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस का SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट होता है प्रेशर का पास्कल, ये आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं। एक्चुअली में प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसलिए प्रेशर का SI यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल ही बोलते हैं। दूसरा, प्रेशर का कॉमन यूनिट जो यूज होता है वो एटमोस्फेयर, टोर, बार और MMHg। एटमोस्फेयर मतलब ये जो ATM है ये एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब आपके सराउंडिंग में जो प्रेशर है, जैसे आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें प्रेशर तो होगा कुछ एयर के कारण, तो वो 1 ATM के इक्वल होता है, इसी को एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये जो गैस है, मान लीजिए इसमें ये जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है इसके 5 गुना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो आप क्या बोलिएगा कि 1 ATM का 5 गुना अप्लाई हो रहा है प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है 5 टाइम्स है 1 ATM के, तो 1 ATM × 5 मतलब 5 ATM प्रेशर इस गैस का है। तो इस तरह से ATM के रिस्पेक्ट में, एटमोस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप बताते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर के कितना टाइम प्रेशर है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जितना टाइम्स रहेगा उतना ATM प्रेशर हो जाएगा। अब ATM तो इन सब का रिलेशन क्या होता है, MMHg। तो 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल्स। ये जो पास्कल है मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका 1.01 × 10⁵ पास्कल्स के इक्वल होता है, और बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 बार जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल होता है, मतलब 1 ATM जो है अप्रोक्सीमेटली 1.01 बार होता है। नेक्स्ट है आपका टोर। 1 ATM इक्वल टू 760 टोर होता है, 1 ATM इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी होता है। अब 760 mm ऑफ एच जी मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है ना, मतलब 76 सेंटीमीटर इक्वल टू से सॉरी 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 760 mm, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी। तो ये दोनों तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ध्यान रखिए कि 1 टोर और 1 mm ऑफ एच जी सेम होता है, क्योंकि 760 टोर इक्वल टू 760 mm, 760 टोर इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी, तो 1 टोर इक्वल टू 1 mm ऑफ एच जी, तो ये वाला वैल्यू याद रखिए। और 1 ATM इक्वल टू 1 mm ऑफ एच जी, या फिर 1 टोर बोलिए, सॉरी 1 ATM इक्वल टू 760 टोर या फिर 760 mm ऑफ एच जी। तो ये सब वैल्यू आप याद करिए, यूनिट कन्वर्जन में इसका यूज होगा कि कहीं पे मान लीजिए पास्कल में प्रेशर दिया हुआ है और ATM में जरूरत है, या फॉर्मूला में ATM का यूज हो रहा है, तो आप कन्वर्ट कैसे कीजिएगा? तो पास्कल में दिया हुआ है तो उसको इतना से डिवाइड कीजिएगा तो ATM में आ जाएगा। इस तरह से आप यूनिट कन्वर्जन तो कर ही सकते हैं, ये सब तो पता ही है, किलोग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही सब चीज़ तो यहाँ पे है, बस वैल्यू पता होना चाहिए। इसके बाद ये जो सेंटीमीटर mm वाला है, ये सब आप डिटेल में चैप्टर 3 पढ़ने के बाद और अच्छे से समझ जाएगा, बस अभी आप याद कर लीजिए ये वैल्यू होता है 1 ATM इक्वल टू 76 mm, जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब हम बैरोमीटर मैनोमीटर से प्रेशर मेजरमेंट देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है प्रेशर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर या मैनोमीटर, इसी से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर इज यूज फॉर मेजर्ड प्रेशर, मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर, लिख दीजिए मेजर्ड नहीं, मेजर्ड जब हो ही गया तो इसका यूज क्या है, मेजर तो करना है, यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर। इसके बाद सेकेंड है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब, ये तो पता ही है। उसके बाद 1 m³ इक्वल टू 10⁶ cm³ इक्वल टू 10⁶ mL इक्वल टू 10�³ लीटर, मतलब 1 m³ इक्वल टू 1000 लीटर, ये तो आपको पता ही होगा। और 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³1000 cm³। तो देखिए
1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 लीटर इक्वल टू 1000 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, ये भी आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये ध्यान रखिए। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब उतना ही ml हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, ये आपको पता होगा, नहीं है तो ध्यान रखिए कि ये सब वैल्यू होता है। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वॉल्यूम को किसी में, ऐसा यूनिट में जरूरत हो, लीटर में जरूरत हो, उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद थर्ड है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, इसका और दो यूनिट होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो ये यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है कि टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में, तो उसको अगर आप 273 से ऐड कीजिएगा तो आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 टाइम्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 32 ऐड कर दीजिए, तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर को। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो केल्विन में कैसे निकालेंगे, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो केल्विन में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस की जगह आप लिख सकते हैं टेम्परेचर इन केल्विन −273, वही चीज तो है 9/5 टाइम्स। तो ये एक्चुअली में टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट −32 होगा, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट −32 × 5/9 और फिर +273 हो जाता है, 5/9 + 273। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो आप टेम्परेचर इन केल्विन निकाल सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में −32 कीजिए और ये पूरा में 5/9 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये डिग्री फ़ारेनहाइट × 5/9 −32 नहीं कीजिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट −32 × 5/9, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ये वाला टर्म। और उसको अगर आप +273 उसमें कर दीजिएगा तो टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल है कि आपके पास डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। ये दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वेट होगा 1 ग्राम, यही डेंसिटी का मतलब होता है। डिटेल में हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, अभी बस ध्यान रखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू x kg/m³। तो x का क्या वैल्यू होगा, मतलब यूनिट कन्वर्जन करना है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा तो कितना किलोग्राम वेट होगा, वही चीज तो है x kg/m³। ये x का वैल्यू निकालना है और डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको आप इस तरह से समझिए, आपके पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 1 ग्राम, तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, 10⁶ ग्राम, वही चीज। और 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, देखिए यहां से, मतलब 1 मीटर क्यूब का वेट होगा 10⁶ ग्राम, मतलब 10³ kg। तो मास जो है 1000 kg है पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है आपके पास किसी भी सब्सटेंस का तो उसका मास होगा 1000 kg, अगर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 है तो। तो इस तरह से आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू x kg/m³। एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू होगा 1000। दूसरा, इस तरह से ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, तब भी यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg, तो 1 × 10⁻³ kg, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कीजिएगा तो 10⁻⁶ m³ होता है। अब ये 10⁻⁶ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁶ × 10⁻³, तो 1000 kg/m³। डेंसिटी के बारे में डिटेल में हम लोग और पढ़ेंगे, बस अभी ध्यान रखिए अगर किसी चीज का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर सॉरी पर मीटर क्यूब होगा।
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ध्यान रखिए सेंटीमीटर नहीं, ये एक्चुअली में वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, या फिर आप बोल सकते हैं 1 ml वाटर है, तो उसका वेट होगा 1 ग्राम। सिमिलरली आप किलोग्राम पर लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 1 kg पर लीटर इसका डेंसिटी होगा, क्योंकि 1 ml का वेट 1 ग्राम, तो 1000 ml का वेट 1000 ग्राम, मतलब 1 kg, 1000 ml का वेट 1 kg, 1000 ml मतलब 1 लीटर, तो 1 लीटर का वेट 1 kg, तो डेंसिटी होगा 1 kg/L। या फिर ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किए और सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 cm³=10^-3 L होता है, क्योंकि 1 L=10^-3 cm³ होता है, तो 1 cm=10^-3 हो जाएगा। इस तरह से किसी में भी आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।